आज अहले सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में बारिश के कारण टर्मिनल की छत नीचे खड़ी गाड़ियों पर आ गिरी, जिससे कुछ लोग दब गए। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर जरूरी कार्रवाई कर रही है। वहीं इस हादसे में अब तक एक व्यक्ति की मौत और 9 व्यक्ति घायल होने की सूचना है। आपको बता दें कि यह हादसा IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सुबह करीब 5 बजे की है। हालांकि हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव के लिए दमकल विभाग के 4 फायर ट्रेडर एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिए गए थे। इस हादसे के बारे में बताया गया कि यह बारिश के कारण छत की सीट नीचे गिरी है, जिस वजह से यह छत की सीट के एक हिस्से के साथ उन्हें सपोर्ट देने वाले लोहे की कुछ बीम भी नीचे गिर गई और यह मलबा टर्मिनल में खड़ी गाड़ियों समेत टैक्सियों पर गिरा, जिससे लोग दब गए। अधिकारियों ने बताया कि छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी गिर गए, जिससे टर्मिनल के पिकअप और ड्राप क्षेत्र में खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आज सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 के पुराने प्रस्थान प्रांगण में छत का एक हिस्सा सुबह करीब 5 बजे गिर गया। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है और आपातकालीन कर्मी प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह कहा कि घायल लोगों का इलाज अस्पताल में करवाया जा रहा है। अब तक 6 लोगों में एक एक कर उसे बचाया गया, जिस पर लोहे की बीम गिरी थी।